रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम परवरदिगार दी रहमतां बरकतां ते निमतां दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने हैं जी। अलहमदुलिल्लाह हिस्सा जिहड़ा ना उह बनवा लिया उह लै के चले हैं जी। एक पैट बोतलां दा जिहड़ा ना जी उह वी लै के चले हैं कि मेहमान भी आ जांदे ने और घर आप भी जिहड़ा ना बच्चे बुच्चे पीणगे और असीं भी पीवांगे। नाल आया ना जी आंदे सार पता लग्गिया कि बिजली कोई नहीं है ते ओ तू साडे ट्रांसफार्मर तू ना उस जगह तो बिजली खराब हो जांदी है और मैं वापस वाले नूं फोन कर करके थक गया लेकिन वह बंदा आंदा नहीं पिया। लेकिन हुण मैं उहदी जिहड़ी ना कंप्लेन करांगा और करांगा भी हेड ऑफिस पिछे लाहौर फिर उन्होंने जिहड़ा ना मोशन लग जाएंगे आके सैट करेगा। एक तो नाल दे भी ना बार बार तंग करना पौंदा क्योंकि उन्होंने दरवाजा खड़का के उन्होंने छत से जाके उत्तों बिजली सैट करनी पैंदी। बड़ा आवाजारी बनी हुई है और हर तकरीबन हर रोज़ नहीं तो दूसरे दिन बाद लाजमी प्रॉब्लम जी ना वो क्रिएट हो जाती जी। बिजली जरा छेड़िया और बिजली जी सैट हो गई आ गई बिजली है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी। भाई क्या हुआ, किसने मारा है? चलो किसने मारा मुझे बताओ, किसने मारा? उसको हाथ लगाओ, उसको हाथ लगाओ। किसने मारा? इसने मारा है पापा, मैंने नहीं मारा। और किसने मारा? फैजा किसने मारा? ऐजा ने? ऐजा मैं आपको कुटूं? इसको कुटे नहीं, इसको मारे, इसको मारे नहीं मारना। ये देख लो आप छोटी आप ही कह रही नहीं मारना, आप ना मारा करो। बेगम नू जी ईद मुबारक। इस वजह तू हूं आख्या है, दूसरी वीडियो तुम वेखते पोसो लेकिन पहली वीडियो जिस वजह तू नहीं आख सके कि सुबह सुबह जो तैयार होंगे ना उदो तो तुम पता साफ सफाइया चल दिया पी नमाज पढ़ के आगे जो मुबारक देनी सी ना उस टाइम बेगम तैयार होंगी पी सी। तो मैं फिर उधरों ही आके ना दस्ती चला गया हिस्से वाली साइड से और उधरों हिस्सा भी सारा आप बनाया, आप सारा जरा ना टोका आप चलाया। तुम हिसाब रख लो पूरा कट्टा जरा ना मैं आप अपने हाथों नाल कटिया, गोश्त जरा ना वो दूसरे बंदे लगे रहे और हड्डियां जिन्या भी सी ना वो मैं आप कुटिया ने और मेरे मोढ़े जरा इन्ना दर्द होते पे जी। माई हो शाला ठहर जाओ, चलो कोई बात नहीं। नो माल नो पॉलिश लगी हुई है? अच्छा चलो ठीक है, बाकी हथा ने भी लवा जा, सारे सारिया उंगलों से लवा। मोटे जड़े ने जी हम दर्द करते पे ने फिलहाल, तो रेस्ट करने थोड़ी देर और उस तो बाद नहाने पसीना थोड़ा जो खुश करके ना नहाने, नहाने तो बाद दूसरे कपड़े पावे रिलैक्स होकर ना फिर कोई चीज जी खावे भी। बेगम साहब पका है मेरे ख्याल है अपने हिस्से आने तो पहले कोई नहीं आया किधरों में? नहीं आया है। किधरों आया? सारे डॉक्टर ने बकरा खावांगे तकरीबन दो ढाई दो बज जाने सानू खाना शाना पकदिया नू। लेकिन यह है कि सुबह दा थोड़ा जिहा सेवियां खादी हुई ने हां द्राम बनिया होया। बेगम थोड़ा जिहा पानी ते ठंडा पिवाओ। फैजा ये क्या है? ओ, ओ, पैसे देवा? ये जगह टैक्स है? हैं? ये जगह टैक्स है? हैं? हैं? कितने देवा पैसे? कितने? ओ भी कितने? ओ कितने भैया? अल्लाह तो एक लाला 100 रुपया। चल चलो आधी अम्मी ना को बना के बेच पाओ सी, तेरे को नहीं पैना उन्होंने आख बेच पावे। ओ माऊ सानू डर लगता पा जी, पाया एक लैके आया ना तो उन्हें तो डरती भी कहती माऊ है उन्हें आपे इधर फिर बना तो ला बेटे दूसरी तरह बना तो ला। हाँ इस तरह के ना नोट नू पहले बना ला इस तरह। उन्हें आपे पौना तेन लगी रहन दे पालसी वेखी ख्याल करी मैं पाड़ ना देवे। हाँ जी अच्छा जी आप भी ले लो ये लो। अच्छा फिर वो शाम को तो बेटा ये ईदी है ना, अब बस करो बेटा। नानी केड़ी? ये लो बेटा आप भी, आपके पास गल्ला तो है नहीं तो आप अपने पास ही रखो खर्चे के लिए ठीक है। वो कह रही है इन पा दो पैसा बेटा वो आप ही को दे दो इन कहनी पाओ सारे।
हाँ इन पाओ सारे ऐसा उन्हें सारे कह रही है कि मेरे वाले गले पैसे पा दो सारे जेडे जेडे स्किन मिले हैं ना वो गले च पा दो। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना तैयार हो गया, अगर तुसी भी खाने तो सौ बिस्मिल्लाह मिल के खाने जी। नाल दे हमसाए जेड़े अन्ना जी साडे उन्होंने बकरा कीता सी ना, तो उन्होंने मेरे आन तो भी पहले वो दे गए बेगम नूं, तो बेगम ने जेड़ा ना उत्ते पकाने वास्ते रख दिता और उन्होंने जेड़ा ना बिल्कुल खुशक जिहा रोस्ट करके पका दिता है और हल्का जिहा नमक मेरे च मतलब ला के ना मतलब मेरे च नजर ही नहीं आ रही, बिल्कुल नमकीन नमकीन गोश्त जेड़ा ना जो बन गया। और अगर तुसी भी खाते सौ बिस्मिल्लाह जाओ मिल के खाने, वरना फिर पहले पहले नवाला जी पहली पहली ईद का जेड़ा ना जी बोटी असी खान लगे हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला जेड़ा ना कबूल करे कुर्बानी भी साड़ी कीती हुई और अल्लाह ताला बाकी लोगों की भी कबूल करे जेड़ी कुर्बानियां करते पे। बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा रहे हैं, सही बन गया गोश्त है ऐसा? अच्छा हाँ भी बिलाल फिट बन गया ऐसा? फैजा आप खाना क्यों नहीं खा रहे? इसको छोड़ दो मोबाइल को, खाना खा लो पहले। हाँ जी बेगम साहबा अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज्यादा खुशगवार हो गया है और बारिश अगर ना आवे ना तो फिर तो बड़ा ही मजा रहेगा, अगर बारिश आ गई ना काफी सारे मसले जड़े ना वो बन जाने ने। एक तो जो पिंड थां वाले ने उन्होंने पकान खाने च काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जानी और दूसरे नंबर से मौसम अगर बारिश हो जाती है तो रोटियां शोटियां खा के लोग जड़े ना वो बाहर जाते हैं, फिर मिलन जाते हैं बिरादरी वाले नूं गोश्त वगैरह देन जाते हैं और इस तरह टोरा फेरा मतलब इन्हें करना पैंदा ते ओ फिर जड़ा ना ओ रह जाना सारियां दा अगर बारिश आ गई ते। बहरहाल अल्लाह करे बदल ते काफी ज्यादा तेज आ गए ने लेकिन बारिश ना आवे बस दुआ करो इंशाल्लाह ठीक। हाँ जी बेटा कैसे हो? इधर देखो आज माशाल्लाह जी कुर्ता पाया हुआ इन्हें और फुल फुल मुंडा लग रहा है। फैजा फैजा रानी ये क्या है? हाँ जी तो हूँ अलहमदुल्ला पहले रोटी खा के ना थोड़ी देर रेस्ट कर ली है तो जान लगे अस किसे ना गोश्त देने वास्ते साडे जिहड़े हमसाए हैं मतलब जिहड़े थोड़े जे टाउन तो बाहर हैं ना उन्होंने तो हूँ असं गोश्त पकाने हैं क्योंकि उधर हले नहीं जा रहे मौसम खराब है, मैं कि थोड़ा जो मौसम सैट हो लगे ना फिर बंदा जाता है ताकि वापसी जी है ना फिर बंदे की आसानी हो जाए। अगर ये ना हो तो उधर अं जाइए तो बारिश में फस जाइए वो असी बारिश जी है ना वो घर ही असी वेख के जावे तो ऐला गोश्त जो है ना जी तकरीबन 3 किलो गोश्त ले लिया इनू और अच्छी तरह इन्हू वाश कर लिया साफ कर लिया कटिंग इनकी हो गई और इन्हू हूँ जरा जी पा दें देचके दे टोकरी के इस वजह तू रखा कि ब्लड जरा है ना वो रिमूव हो जाए। काफ़ी देर मैं धोता रहा वा लेकिन उस तो बाद भी फिर गोश्त है ना क्योंकि एक कसाई वाली फटे तो नहीं आता वो लटका के रखते हैं गोश्त वह ब्लड रिमूव होया हुआ होता है, यदा ब्लड रिमूव नहीं होता क्योंकि ये थले ही जरा ना बनाया जाता है उत्थे ही इनू बना लिया जाता है इनू लटकाते कोई नहीं। हाँ जी तो तकरीबन ना 3 किलो गोश्त है और 4 किलो पानी जड़ा ना असीं इहदे विच ऐड कर दिंदे हां जी। और इहदा ढक्कन बंद कर दिंदे हां, बाकी चीज़ां इहदे विच बाद विच ऐड करांगे जी। हाँ जी तो अग साडी जिहड़ी ना जी जल गई है, 2 अदद साडे कोल टमाटर ने और 4 दरमियाने साइज़ दे साडे कोल प्याज हैं वो असी कट लैने, उस तो अलावा कोई तकरीबन 6 तो 7 मिर्चा जड़िया ने सब्ज और एक अद्धी लाल मिर्च वो कट लिया ने, कुछ लसन साढ़े को ऐसी बरीक देसी लसन जड़ा ना वो तकरीबन कोई 10-12 गुटियां गुलटियां जड़िया ना या तुम टुकड़े कह सकते हो ना वो वाले टमाटर जड़ा ना जी असी यदा छिलका चुक लवेंगे असी इस वजह तो साबत सुटते पे कि छिलका जड़ा ना वो बाद आराम ला लवेंगे ये भी असी जड़ा ना जी इतने इन पा दें और ये थले अग बलती रहेगी जी जो ये तकरीबन तैयार होने वाला होगा ना बाकी दे मिसाले असी उस समय दे विच ऐड करांगे जिदे विच खुशक मिसाले ने जितने भी होंगे वो सारे इस्तेमाल करांगे और लाल मिर्च इस्तेमाल करांगे बाकी पाउडर शाउडर जितने भी अन्ना वो असी उदो इस्तेमाल करांगे जो ये भोनी ते आ जाएगा। ये की बनया वाना है ओए क्या बने फिरते हो? ओए पानी आओ कपड़े खराब करोगे, छोड़ दो पानी छोड़ दो छोड़ो छोड़ो ना नहीं इधर मैं खुद रख लेता हूँ छोड़ दो छड़ 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 बस
किसने पानी दिया था? ऐजा ने। उसको मैं कूटूंगा। हाँ जी, गोश्त उत्ते रख दिता है, लेकिन हूँ जा रहे हैं नाल दे हमसाया जिहड़े ना साडे, मतलब है जिहड़ी इहदी फुफो है ना, उहनूं गोश्त देण वास्ते। और उस तो बाद फिर तकरीबन थोड़े कु दिन तक जावांगे असीं पिंड, और उत्थे भी जिहड़ा ना गोश्त देना दो तिन्नां घरां दे अंदर। और कपड़ां दा हिसाब किताब, कपड़ियां दा हिसाब किताब है, उह वी लैणा उहनां ने कहा सी कि ईद वाले दिन जदों आओगे ना उदों आ के लै लव्या जी। तां मैं कहा वी चलो जाणा तां है ही, और वैसे भी गोश्त देण जाणा सी, क्योंकि जिहड़े बंदिआं नाल तुहाडा टाइम गुजरिया होवे ना, जिहड़े बंदिआं नाल रिश्तेदार तक जारी गल है, उन्होंने तो देने देना जी, लेकिन उस तो इलावा जिहड़े बाकी अन्ना लोग जिन्हां नाल तुहाडा टाइम अच्छा गुजरिया होवे ना, उन्होंने याद हमेशा रखना चाहिए। इस तरह के मौसम च बह जाए लगा ही फिर, जिनी देर शाम ना ना होवे उन्नी देर बंदा बाहर ही फिरदा रहे। हाँ जी, की हाल ने? चंगा जी जनाब। हाँ, ईद होगी? ईद मुबारक। फिर गोश्त मोश्त खादा? और खाना नहीं बाजा तो मेरे को पक्का पे एंड होगी। हाँ, मठा मठा ठंडा ठंडा करके खावी है, मठा मठा हो गए। तेरी तबीयत वैसे भी बारी है, तो फिर ये ना हो कि ज्यादा गर्मी हो जाए। हाँ जी, तो थानू पता है कि फुफो ते आए सी गोश्त देने वास्ते, और हुण जा रहे हैं वापस चंगा जल्ला दे सुपुरद। और बस 5-7 मिनट जिहड़ा ना जी बैठे हां, और वापस थानू पता है कि बच्चे भी इकल्ले ने, और दूसरा नंबर ते उत्ते गोश्त भी असीं रख के आए सी चुल्हे ते, ये ना हो कि बच्चे जिहड़े ना ध्यान ना करन और वह सारा जिहड़ा ना खराब हो जाए। हाँ जी, चलिए चल हुण असीं बह जाइए कि चलिए किथे पविए इत्थे। अलहमदुल्ला जी, वापस आ चुके हैं, और आंदे सार पहले ना गोश्त पकाना स्टार्ट कर लिया सी, और अलहमदुल्ला मेरा जिहड़ा ने जी पक गया होया। इहनूं हुण जिहड़ा ने जी उतार लैने आ, और इहनूं लैने आ खा, और उस तों बाद फिर जाना पिंड, पिंड जाके गोश्त देना। तुहानूं दस्सिया सी अगे वी कि पिंड जाना वा लाजमी, इक सिलाई दा काम है, सिलाई ना लईए ना अगर अज, क्योंकि अज सारे ना बंदे बुढ़िया जनानियां छोटियां वड्डियां सब कुछ घर होना, इस वजह तू अज जिहड़े ना पैसे भी रिसीव हो जाने ने, और अगे पिछे जिहड़े ना वो बंदे बाहर कम्मां कारां दे हुंदे ने, ते ओह फिर जदों असीं जाईए ना तो कहंदे ने हुण ओह घर कोई नहीं, हुण फलाना कोई नहीं, इस वजह तू फिर अज दा मौका अच्छा कि अज टोटली आल जिहड़े ना सारे घर होणगे मौजूद, और सारे पैसे जिहड़े ना मिल जाणगे, दी सवाई दे सारे पैसे जिहड़े ना लै लैंदे ने। माशाल्लाह जी, और इहदे ते निचोड़ने आ जी नींबू, क्या बात है जी। और सारी पीपल पार्टी जी ने जी कट्ठी होगी है भी, आज फैजा जी ने ऐजा बस मुंह ढिला की करके सुती उठी है, और आजा जल्दी आगा मुंह धो ला जा, आजो आजो मेरे बेटा आजो, शाबाश। ठंडा हो गया बिल्कुल, तो फिर भी नहीं खाता जाना। बेगम साहबा शुरू करो, बिलाल शुरू करो, आजो बेटा के शाबाश। माशाल्लाह जी, फुल जूसी जूसी, फुल जमी बेहतरीन माशाल्लाह, कभी इस तरह का वलीमिया तो भी नहीं खादा जिस तरह का अज बनया माशाल्लाह। अलहमदुलिल्लाह जी, खा पी के ना पिंड नूं तुर पे आ, क्योंकि तुहानूं पता है कि रिश्तेदारां नूं बिरादरी वालां नूं उन्हां दा हिस्सा हुंदा है, और उन्हां दा हिस्सा उन्हां तक पहुंचाना हुंदा है। फिलहाल साढ़े तिकर ते हाले तिकर कोई नहीं पहुंचा कोई भी, लेकिन असीं पहल करते पे कि असीं जिहड़ा ना पहुंचाईए उन्हां नूं, क्योंकि इह साडा हक बणदा है, फर्ज़ है साडे ते, ते असीं उन्हां दा हिस्सा जिहड़ा ना उन्हां दे घर पहुंचाईए। अलहमदुल्ला जी, पिंड पहुंच गए हुए हैं, और वन ऑन ऑफ दी ओनली, हां जी किवें आंदे ने, इवें आंदे ने, ऑन ऑल ऑफ दी ओनली, वन ऑल ऑफ दी ओनली है। हां जी, ए जी मेरा कजन, और फिलहाल यूट्यूबर भी है और न्यूज रिपोर्टर भी है, ते होर इस तो अलावा की है, बंदा भी है ते बेगम साहब कहती है नी जो अगर घर गई, मैं भी जाना हाले मिलना, मैं इतनी बह गया, मैं चलो बाहर बैठे इन्हें कोल बह जाने, तो बाकी मसीरा घर है उधरों असी हो के ते वापस आ गए हैं, वह भी कितने जाते पे, बस एवं 10 मिनट बैठे हैं तो हम वापस आ गए। और इधर ये मेरा चाचा है, और ये मेरा कजन मतलब चाचे का बेटा पितरेर, असी सारी जबान पंजाबी जिन्होंने असं आने, तो इन्हों को हम बैठे हैं, तो इतों उठ के फिर जाना पिंड, ये मेरा पिंड नहीं है, ये मेरे पिंड तू अगला नाल दा पिंड है, तो फिर मैं जावांगा पिंड, और उत्थे दो तीन घरां च हो के फिर वापस जाना इंशाल्लाह। मैं इत्थे बैठा, तुसी जल्दी आ जाओ, है बस आ जाओ, पिंड पहुंच गए जी, और कपड़े जड़े ने एक दो घरां दे ने देने हन, वो दे के ने, तो मैं कहा जल्दी आओ वापस, क्योंकि टाइम जड़ा ना उन्होंने है को नहीं, शाम दी अज़ाना जड़ियां ना वो आने वालियां ने तकरीबन, और साडा सफर भी तकरीबन 20-25 मिनट का जड़ा ना वो बन जाता, रस्ता खराब होने की वजह तू, वैसे तो सिर्फ 10 मिनट का रस्ता है वा, लेकिन रस्ता खराब होने की वजह तू ना 25-30 मिनट जड़ा ना वो लग जाते, मतलब अद्धो अद टाइम जड़ा ना वो ज्यादा लगता है। ज्यादा उधर की है ले भाई, ले भाई, ले भाई, चल बस करो,
बस करो हाँ अस गए तू चार बजे पांच बजे तक गए नौ बज रहे तू क्या हो गया चलो और बाकी सारी खैर रही है टेंशन वेंशन नहीं हुई घाबरे तो नहीं रोटी खा ली चलो ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह जी घर वापस पहुंच गया जी और काफी देर हो गई है लेट काफी हो गई हालांकि तकरीबन 8:30 हो गए ने साडा टारगेट जो है 7 बजे का आया कि 7 बजे वापस आ जावे लेकिन 1.5 घंटा लेट हो गया पर हाल चलो कोई है कुछ नहीं होंगे 3 बच्चे माशाला काफी वे वे बच्चे एडा मसला को नहीं आ और वैसे नाले साडे नाल दे हमसाए भी आनो भी आन ते फिर एडा एडी ज्यादा भी मतलब है ना घबराहट वाली कोई ऐसी वैसी गल नहीं लेकिन बच्चे फिर गला एरिया है और होर कोई घर बार एडा खास है को ना कि जिंदी रौनक शौनक जी है ना वो बंदे की बनी रहती है और आवाजा वूजा साइडा तो आदि रहा मन तो फिर भी घाबर महसूस घट होंगी है और अगर आवाजा ना आवन तो फिर ज्यादा महसूस होंगी है इस वजह तो फिर बच्चे जो है ना घाबर जाते हैं तो अलहमदुल्ला जी बखरीत घर पहुंच गए हम और थोड़े भी मिलना है सुबह इनशाला एक अच्छी जी प्यारी जी यूनिक जी मिठी जी वीडियो के सदर साहब की पूरी फैमिली तो याद अपना बहुत ख्याल रखना दुआवें याद रखना पंडा बन बन प्यार अल्लाह हाफिज़।